वेलकम बैक टू मालवीय कैट सॉल्यूशन। तो आज हम देखिए एडजस्टेबल नलिंग टूल का 7 पार्ट क्रिएट करने वाले हैं और इसके बाद में हम 8 वाला पार्ट भी इसी वीडियो में क्रिएट करेंगे। वो कैसे करेंगे आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये एक नल टूल है, मेन जो पार्ट है ये यही है और इसे नलिंग टूल कहते हैं या नल टूल कहेंगे। तो इसमें देखिए यहाँ पर इस तरह से हमने हेलिकल टाइप में यहाँ पर इसका शेप क्रिएट किया है टीथ का, ताकि इसके अपोजिट वाला जो सामने वाला जो नल टूल है वो दोनों मैच होके यहाँ पे डायमंड पैटर्न क्रिएट करेंगे। हमारे जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उस पर ये डायमंड पैटर्न अप्लाई करेगा। तो इसी तरह से इसमें फ्लैट पैटर्न वाले भी आते हैं, फिर इसकी साइज छोटी बड़ी आती है, तो हमने यहाँ पर इस साइज में अप्लाई किया है। तो आप वीडियो पर एंड तक बने रहिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम इसका 2D ड्राइंग पहले देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने 2D ड्राइंग क्रिएट कर लिया है, जिसमें यहाँ पर ये फ्रंट व्यू है और यहाँ पर ये टॉप व्यू है, फिर यहाँ पर एक सेक्शन व्यू है और यहाँ आइसोमेट्रिक व्यू भी हमने सेट किया है। तो देखिए फ्रंट व्यू में हम यहाँ पर मेंशन करेंगे इसका डायमीटर, तो इसका मेन डायमीटर 30 mm और इसका होल 8 mm है। फिर यहाँ पर टीथ की विड्थ यहाँ पर 2 mm हमने अप्लाई की है और इसकी डीप रहेगी 1.13 mm। फिर यहाँ पर चैम्फर है 0.2 और यहाँ पर टॉप व्यू में हमने इसका एंगल मेंशन किया है। देखिए यहाँ पे इसका एंगल रहेगा ये राइट साइड में हमने अप्लाई किया है, इसी तरह से दूसरा लेफ्ट साइड में होगा और इसकी हाइट रहेगी 10 mm। तो ये ड्राइंग आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके इसे कलेक्ट कर सकते हैं। इसके सारे डायमेंशन हमने मिलीमीटर में अप्लाई किए हैं। तो चलिए हम इसका ड्राइंग या इस नल टूल को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम न्यू पार्ट क्रिएट करेंगे, फिर यहाँ पर सबसे पहले हम फ्रंट प्लेन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्केच करना है आपको सर्कल। तो सर्कल टूल एक्टिवेट करेंगे और यहाँ पर एक सर्कल और यहाँ पर एक दूसरा सर्कल, इस तरह से दोनों ड्रॉ कर देने हैं। अब यहाँ पर इसका डायमीटर रहेगा 30 mm और यहाँ पर इसका होल रहेगा 8 mm। अब सिंपली आपको फीचर में जाना है और एक्सट्रूड बॉस अप्लाई करना है। तो यहाँ पर आपको मिड प्लेन सिलेक्ट करना है और इसकी हाइट रखनी है 10 mm। अब यहाँ पर चैम्फर अप्लाई करेंगे हम, तो हमारी चैम्फर हमने चैम्फर 0.2 अप्लाई किया है, इस होल को सिलेक्ट करना है और फिर ओके करना है। अब हम यहाँ पर टॉप प्लेन सिलेक्ट करेंगे और स्केच। तो सबसे पहले आपको सेंट्रल लाइन ड्रॉ कर देनी है, देखिए इस तरह से सेंट्रल लाइन ड्रॉ करनी है, फिर लाइन टूल एक्टिवेट करना है और यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है। अब आपको क्या करना है, इस लाइन को सिलेक्ट करना है और ओरिजिन पॉइंट को सिलेक्ट करना है और मिड पॉइंट अप्लाई कर देना है, इसका रिलेशन इसके साथ सेट कर देना है। अब डायमेंशन स्मार्ट डायमेंशन अप्लाई करेंगे, यहाँ पर इसका एंगल रहेगा 30 degrees और सिंपली इसे एग्जिट कर देना है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फीचर में जाना है और यहाँ पे कर्व वाले ड्रॉप डाउन में जाना है आपको, फिर यहाँ पर प्रोजेक्ट कर्व आपको एक्टिवेट करना है। बट यहाँ पर देखिए स्केच ऑन फेस और स्केच ऑन स्केच, तो हम स्केच ऑन फेस सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ये लाइन सिलेक्ट करनी है, फिर यहाँ पर किस फेस पर आपको अप्लाई करना है, तो हमें इस डायमीटर पर अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कर्व अप्लाई हो गया है और फिर सिंपली ओके कर देना है। अब इस फेस को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर स्केच, यहाँ पर आपको ट्राइंगल्स ड्रॉ करना है, 3 पैरामीटर हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इस तरह से आपको ट्राइंगल ड्रॉ कर देना है, इसे हॉरिजेंटल लाइन में सेट कर देंगे। अब यहाँ पर इसकी साइज अप्लाई करनी है 2 mm। अब जो प्रोजेक्ट कर्व हमने
क्रिएट किया है। तो इसे क्या करना है, यहाँ पर इस ट्राइंगल के पॉइंट को सिलेक्ट करना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर पियर्स कर देंगे, फिर ओके कर देना है, इसे एग्जिट कर देते हैं। अब आपको फीचर में जाना है और यहाँ पर स्विफ्ट कट अप्लाई करना है। स्विफ्ट कट में देखिए हम ये ट्राइंगल शेप जो हमने क्रिएट किया था इसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इसका पाथ, तो पाथ में इस वाले प्रोजेक्ट कर्व को सिलेक्ट करना है और फिर ओके कर देना है। देखिए यहाँ पर ये स्विफ्ट कट अप्लाई हो गया है। अब यहाँ पर हमें सर्कुलर पैटर्न में जाना है। सर्कुलर पैटर्न में हम यहाँ पर इसका डायमीटर सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर फीचर, तो फीचर हमने जो कट स्वीप अप्लाई किया था उसे सिलेक्ट कर देना है। अब इसके नंबर ऑफ पैटर्न हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ पर इसके नंबर ऑफ पैटर्न 70 अप्लाई करेंगे और फिर ओके कर देंगे। थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ पे टाइम लेगा तो हम वेट करेंगे। देखिए इस तरह से ये नल टूल क्रिएट हो गया है। अब अपीयरेंस में जाएंगे, इसका मटेरियल अप्लाई करना है, तो हम यहाँ पर अपीयरेंस में जाएंगे, फिर यहाँ पर मेटल में जाएंगे, स्टील, और यहाँ पर आपको अप्लाई करना है कार्बन स्टील। देखिए इस तरह से ये पार्ट क्रिएट हो गया है, तो इसे हम सेव कर लेंगे। तो आपको उसी फोल्डर में सेव करना है जिस फोल्डर में आपने सारे पार्ट सेव किए हैं। तो ये वाला पार्ट हमारा रहेगा पार्ट 7 और फिर इसे सेव कर लेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट्स के सारे ट्यूटोरियल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो देखिए इस तरह से पार्ट 7 क्रिएट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसका पार्ट 8, क्योंकि एक लेफ्ट साइड में और राइट साइड में हमें ये टीथ अप्लाई करने हैं। तो सिंपली आपको इस वाले जो कर्व हमने अप्लाई किया था प्रोजेक्ट कर्व, उसे एडिट करना है। स्केच में जाके एडिट स्केच में जाएंगे। अब आपको यहाँ पर जो 30 डिग्री अप्लाई की है उसे डिलीट कर देना है और इस वाली लाइन को, इसका डायरेक्शन चेंज कर देना है। अब फिर से स्मार्ट डायमेंशन, फिर यहाँ पर इसका एंगल 30 डिग्री अप्लाई कर देंगे और फिर ओके कर देना है और एग्जिट। तो इसके सारे टीथ के जो डायरेक्शन है उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह से ये लेफ्ट साइड में हमने क्रिएट कर दिया है। दोनों यहाँ पे नल टूल हमने एक इसी वीडियो में क्रिएट कर लिया है। अब आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सेव एज करना है। सेव डायरेक्टली नहीं कर देना है, यहाँ पे सेव एज करेंगे। सेव एज में हम पार्ट 8 और फिर सेव कर देंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नेक्स्ट पार्ट के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।